इंडिया ग्लोबल वीक कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, टैलेंट का हब है इंडिया, हर मुश्किल से निपटने को तैयार, कोरोना वैक्सीन बनाने में भी निभाएगा अहम भूमिका। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल रैली के जरिए अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के कार्यकर्ताओं से साधा संवाद। पीएम बोले, लॉकडाउन में नहीं रहेगा कोई भी भूखा, सरकार ने सबको भोजन उपलब्ध कराने के लिए किए हैं व्यापक इंतजाम। बिहार में नहीं थम रहा अवैध शराब की तस्करी का सिलसिला, बेगूसराय में फिर पकड़ी गई 25 कार्टून अंग्रेजी शराब, गाड़ी छोड़कर भागा ड्राइवर, तलाश में जुटी पुलिस की टीम। उज्जैन के महाकाल मंदिर से गैंगस्टर विकास दुबे गिरफ्तार, कानपुर एनकाउंटर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का है मुख्य आरोपी, दुबे को वापस लाने विमान से एमपी पहुंचे यूपी पुलिस के आला अधिकारी, विकास के सहयोगियों की बढ़ी मुश्किलें। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिलाया भरोसा, अन्नदाता किसानों पर विशेष ध्यान दे रही है सरकार, खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी के संकेत, विदेशों में कर सकेंगे एक्सपोर्ट। इस पर विशेष जोर दिया गया है और मैं समझता हूं कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो माननीय मंत्रीगणों के द्वारा जो सुझाव दिए गए थे कि सबसे पहली प्राथमिकता हमारा किसान होना चाहिए, क्योंकि महामारी है, तमाम तरह की विकृतियां आ सकती हैं, तमाम तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, तमाम तरह के दुष्प्रभाव महामारी के हो सकते हैं, और ऐसे में बहुत जरूरी है कि लोगों को कम से कम खाद्यान्न की कमी नहीं होना चाहिए, और खाद्यान्न की कमी से अगर हम निजात पाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा किसान उसको बल दिया जाए, और ये जो 1,00,000 करोड़ का जो एग्री इंफ्रा फंड डेवलप किया गया है, मैं समझता हूं कि ये हमारा किसान इसका लाभ लेगा, हम अपने देश को नहीं बल्कि हम दुनिया के कुछ देशों को भी खाद्यान्न की सप्लाई कर सकते हैं डिमांड होने पर। कई देशों ने बीच में डिमांड किया था, उनको भेजा भी गया है, तो इससे हमारा भारत का जो किसान है और उसका किसानों के लिए जो उसका बुनियादी ढांचा मजबूत होना बहुत जरूरी है, वो इससे और मजबूत होगा। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को सुधारने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश, 15 दिनों में लाइवलीहुड और रिफॉर्म प्लान बनाकर करें पेश, सभी विभागों को मंत्रालय में भेजनी होगी रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार की संस्था सारथी के विवाद को सुलझाने की कोशिश में जुटी उद्धव सरकार, डिप्टी सीएम अजीत पवार देंगे 8 करोड़ की मदद, मराठा युवकों को कौशल्य प्रशिक्षण और रोजगार देती है सारथी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में नारकोटिक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई, तस्करों से जब्त की 206 किलो अफीम, सांवलिया हॉस्पिटल से फरार था आरोपी, नारकोटिक्स विभाग ने सोमाने रिसॉर्ट से फिर दबोचा। यह एक्चुअली में क्या है, 1 जून को जो 2 क्विंटल के लगभग का केस हुआ था उसमें एक्यूज था और कोविड टेस्ट के लिए इसको आइसोलेशन वार्ड अपने न्यायालय के आदेश अनुसार वहाँ पर कराया गया था, तो ये आइसोलेशन वार्ड में जो क्या है कि चकमा दे के भाग गया था 3 जून को, तो तब से ही हमारा जो क्या है स्टाफ पूरा अपने चित्तौड़गढ़ प्लस कोटा उदयपुर का सभी प्रयास कर रहे थे, तो जो भी संपर्क सूत्र थे तो कल रात्रि को संपर्क सूत्रों से ज्ञात हुआ कि ये अभी बेगू क्षेत्र में है और प्रातः लगभग 6 से 7 के बीच में डेली चाय पीने के लिए सोमानी रिसोर्ट पर आता है। यदि सोमानी रिसोर्ट पर जो क्या खुफिया की तरफ से स्टाफ को लगाया जाए तो उसको पकड़ने की पूरी पूरी संभावना है, तो वही करके पार्टियां लगाई गईं, जिसके परिणाम स्वरूप आज सुबह ही 6 बजे के लगभग इसको वहां से उठाया गया और जो माननीय न्यायालय द्वारा जो वारंट जारी किया गया था उसको तामील कराया गया और फॉर्मल अरेस्ट के लिए इसका गिरफ्तारी में जमा तलाशी। मुंबई में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निवास राजगृह में तोड़फोड़ का निषेध जारी, सर्वदलीय नेताओं और संगठनों ने जिलाधिकारी को दिया निवेदन, दोषियों की गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग। पुलिस ने विचार ले ला अधिक बरे मला काहीच माहिती नाही, परिस्थिती चांगली आहे, त्याच्यामध्ये जे नुकसान झालेलं आहे ते आहे त्याच्यामध्ये, पण आता शांतता आहे,
काय सदर घटनेबद्दल आपलं मत? नाही, अजून मी काही माझं मत केलेलं नाही. माहिती मिळाल्यानंतर मग मी माझं मत केलं. घटना जी आहे ती आता कोणी केली, का केली, कशासाठी केली, त्याचा उद्देश काय होता, हा तो पकडल्याशिवाय मिळणार नाही. त्याच्यामुळे आम्ही अपेक्षाही करतो की पोलिसाला पकडतील सर यामध्ये पकडून त्यांनी का केलं की त्याच्याकडून माहिती घेतील. नहीं रहे शोले फिल्म के सूरमा भोपाली एक्टर जगदीप, 81 वर्ष की उम्र में निधन. कई फिल्मों में निभाई थी यादगार भूमिका. मुंबई के शिया कब्रिस्तान में हुआ अंतिम संस्कार.